हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज 21st of May और अभी बज रहा है मॉर्निंग का 11:30 एंड इट्स अ वेरी ब्राइट सनशाइन एंड अ लॉट मोर वार्मर डे। मतलब कल था 43 डिग्री सेंटीग्रेड हायर में, टुडे मोस्ट प्रॉब्ली 44 तक जाएगा। एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, आई गेस आप लोग ने गेस कर ही लिया होगा। तो या टुडे इज माई बर्थडे एंड आई एम अ ईयर ओल्डर नाउ। तो वैसे तो बर्थडेज मतलब कि बहुत सारा घूमो फिरो, एंजॉय करो फैमिली के साथ, थोड़ा बाहर जाओ, बट अभी है कुछ स्पेशल पीरियड जो हम सभी के लाइफ में चल रहा है, तो इसलिए इस बार ऐसे मनाएंगे कि चलो आज घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे पास तो आप लोग हो ही, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सो आई शुडंट मिस आउट एनीथिंग। आजकल का जो सोशल मीडिया है उसके वजह से हर तरफ से फ्रेंड्स फैमिली सभी विश करते हैं, तो एक तरह से यू आर नेवर फीलिंग लेफ्ट आउट। तो इसलिए बहुत ही हैप्पी सा आज लग रहा है मुझे एंड आई होप आप लोग सभी सेफ हैं, ठीक हैं। तो मैंने पहना है एक न्यूड स्कर्ट एंड टॉप, ये मैंने मिंत्रा से लिया था लॉकडाउन के काफ़ी पहले। बेसिकली मैं समर वेयर के लिए कुछ कुछ अपने लिए खरीद रही थी व्हेन मिंत्रा में ऑफर चल रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि अलग से बर्थडे शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी, यही हो जाएगा मेरा बर्थडे ड्रेस। तो फिर भी काफ़ी मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा है। टॉप है अनुष्का शर्मा का, जो एक ब्रांड है नुष्क उसका, और ये स्कर्ट लोकल मेड है, आई थिंक नोएडा का ही होगा, कहीं नोएडा का ही है, बट डेनिम होने के बावजूद भी बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड क्वाइट एयरी है, तो एकदम समर लुक के लिए परफेक्ट। और मैंने पहने हैं ये वाले इयररिंग्स, ये भी नए हैं। इफ़ यू रिमेम्बर, ये सारे अमृतसर में हम लोग ने लिया था, अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बाहर। तो यही है आज का बर्थडे लुक। और चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केक कटिंग, और वो भी आपके साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुदीप्ता, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life dear Sudipta, happy long life to you, have a wonderful wonderful day, thank you, from me here and from this whole universe. May you grow young. Shabash. Wow, 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 wow. And some chocolate cake for you too, dear. आपकी तरफ से मैं खा रही हूँ। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, एक साल के दिन हो 10,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुरीता। मेरा इस साल का गिफ्ट अगले साल तक के लिए ड्यू रहा। पूरी जिंदगी तो हो गई गिफ्ट। वो भी है। अरे मिल जाएगी यार। हाँ तो अपन छोड़ने वाले थोड़ी ना। आप भी क्या याद करोगे किस दिल वाले से पाला पड़ा था। वो तो है। एक तो हिया ने अभी केक खा लिया, भाला चलो हिया केक तो। केक खा के ही मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बनाना है लंच। और वैसे भी अदरवाइज अगर लॉकडाउन ना हो तो शायद हम लोग डिनर के लिए या फिर लंच के लिए थोड़ी देर बाहर जाते, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं तो शायद प्लेटर ही खाती। बट अदरवाइज अगर मुझे चॉइस में तो आई गेस मुझे घर का ही खाना अच्छा लगता है, खुद का ही कुकिंग किया हुआ। तो मेरे काफी फ्रेंड्स इवन हबी भी बोलते हैं कि अपने बर्थडे में कोई कुकिंग करता है क्या खुद, बट आई डोंट नो, आई लाइक कुकिंग माय ओन स्टफ। या तो मैं अगर घर में हूँ तो मुझे अच्छा लगता है खुद ही कुकिंग करना, या फिर अगर प्लान कर पाए थोड़े दिनों पहले तो आई प्रेफर
गोइंग आउट ऑफ स्टेशन मोस्टली हिल्स में, क्योंकि बर्थडे है ही एकदम समर के, एकदम मिड समर में तो हिल स्टेशन बहुत अच्छा रहता है इस वक्त जाने में. तो हम लोग वैसे कई बार अगर पॉसिबल होता था तो जरूर जाते थे हिल स्टेशन. बट हाँ, मैं एक चीज जो जब छोटी थी बहुत मिस करती थी, और वो ये है कि हमेशा मेरा बर्थडे पड़ता था वेकेशन के टाइम, स्कूल बंद, फ्रेंड्स भी अपने सब ननिहाल जाते थे, तो मैं वो बहुत मिस करती थी कि फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खासकर कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे. क्योंकि हमारे स्कूल में, एंड आई गेस हम सभी के स्कूल में, ये था कि जिसका बर्थडे होता था वो उस दिन कलर ड्रेस पहनते थे और फिर अपने क्लास में, अपने फ्रेंड्स में स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. बट वही बर्थडे है इस टाइम पे जबकि कोई भी फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो वही घर में मम्मी खीर बनाना, फिर फिश करी वगैरह बनाना, ऐसे ही हम लोग घर में ही इंजॉय करते थे. और मेरा हमेशा रहता था कि न्यू ड्रेस पहनती थी मैं, तो इस तरह से सेलिब्रेट करते थे घर में ही. आज मैं बनाऊंगी माय फेवरेट मटन करी, बट आज मैं सिर्फ पोटैटो नहीं डालूंगी क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से यहाँ का जो आलू मिल रहा है हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा गल जा रहा है और बहुत जल्दी गल रहा है. इस वजह से 2-3 बार हो गया कि मेरा मटन करी का जो टेक्सचर है वो खराब हो गया था. और वैसे बंगालीज में बर्थडे में जो सबसे ज़्यादा बनता है वो है 5 तरह का फ्राई बनता है, 5 टाइप ऑफ वेजिटेबल फ्राइज, ऐसे कि आलू फ्राई, परवल फ्राई, बैंगन फ्राई, बीन्स फ्राई, भिंडी फ्राई, मतलब कुछ भी फ्राई 5 तरह का होना चाहिए. साथ में होता है वही भाजा मूंग की दाल, एक टाइप का दाल होता है मूंग की दाल, वो जरूर बनता है. और पूरी, राइस, फिश, जिन लोग चिकन मटन खाते हैं वो भी बनाते हैं, तो इनके कुछ ना कुछ वैरायटी, मिष्टी मतलब स्वीट्स जरूर रहता है. तो वही इतनी गर्मी में और खुद जब बनाना हो तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ 2-3 तरह का फ्राई बना लेती हूँ और मटन करी बना लूंगी. राइस बन गया है ऑलरेडी और आम की चटनी भी है और केक तो है ही, तो और सोच रही हूँ फिश फ्राई भी थोड़ा सा बनाऊँ. रात को कुछ और प्लान है बनाने का, बट देखती हूँ जितना बनेगा उतना ही करूंगी क्योंकि इतनी गर्मी में ज्यादा खाते भी नहीं बन रहा है, तो वही थोड़ा थोड़ा देखते हैं कुछ ना कुछ बनाया जाए अपने लिए. तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं. तो मैंने फटाफट से कुकिंग कर लिया है. यहाँ पे है फिश फ्राई, ये है बैंगन फ्राई, आलू फ्राई और मटन, और उस वाले इंडक्शन में बन रहा है खीर पायस. और अभी थोड़ी देर पहले जाके गुड़ भी ले आए. मुझे वैसे गुड़ वाला चावल का खीर ही अच्छा लगता है. और एक और बात ना, सुबह से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कोई भी मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगी. एट द मोस्ट कोशिश करूंगी रात को देना या फिर कल सारा एक साथ रिप्लाई करूंगी, क्योंकि एक तो आज के इन सब में बिजी हूँ और सेकेंडली कल का जो मेरा व्लॉग है वो बड़ी मुश्किल से अब जाके पोस्ट हुआ है, मतलब वही 2 बजे करीब, ये 5 मिनट पहले मैंने पोस्ट किया है. आप जितना भी नए कपड़े पहन लो, अच्छा अच्छा खा लो, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आपको विश कर रहे हैं, रिलेटिव्स विश कर रहे हैं, बट दो चीज किसी भी इंसान के बर्थडे में कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी दुनिया चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हम नए कपड़े पहन पाए चाहे ना पाए, अच्छा किसी ने कुक कर पाए चाहे ना पाए, रिलेटिव्स फोन करे चाहे ना करे, कुछ भी हो जाए, एनी कोई भी बर्थडे में दो चीज हम लोग कभी नहीं भूल सकते और ना ही भूलना चाहिए। एक तो आप पीछे देख रहे हो भगवान, इनकी वजह से ये पूरा नेचर, ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ऐसा इंसान जिसके बिना आप इस दुनिया में आ ही नहीं सकते, और वो है ये। मम्मी को गए हुए 6 साल से ऊपर हो गए, और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब मुझे वो याद नहीं आती, कोई ना कोई बात में या किसी न किसी चीज के लिए आई रिमेम्बर हर ईच एंड एवरी डे। और क्योंकि वो एकदम अचानक से चली गई तो आई कुडंट से अ प्रॉपर गुड बाय, मैं ही क्यों, शायद पापा भी नहीं कर पाए जो उनके साथ थे, मेरा भाई भी नहीं कर पाया। तो एक तरह से अचानक से सब कुछ ठीक था और नेक्स्ट डे शी इज नो मोर। तो प्रॉपर जिसको कहते हैं ना गुड बाय, वो हम लोग नहीं कर पाए, तो उनके बिना तो कोई भी बर्थडे पॉसिबल नहीं है। मैं छोटी सी कहानी भी बोलना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अलाहाबाद, और 21 मई का डे, मतलब आप सोच ही सकते हो यूपी में कितना गर्मी होता है, और मैं पैदा हुई थी शाम 4 बजे। तो मम्मी सुबह गई थी थोड़ा सा अपना चेकअप कराने, नॉर्मल तो ठीक ही था, बट अचानक से उनको लेबर पेन आने शुरू हो गए अराउंड आई थिंक आफ्टरनून तक, तो दोबारा जाना पड़ा, और कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त इलाहाबाद में। तो शी वेंट वॉकिंग, आई डोंट नो, आई मुझे एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स ये पता नहीं है, बट बहुत लंबा रास्ता उन्होंने वॉक करके गए थे मेरे नाना जी के साथ। तो उस जमाने में इतने स्कॉचिंग हीट में और इतना दूर इतने पेन में वो गई रेलवे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे नाना जी रेलवे में काम करते थे। तो मम्मी गई रेलवे हॉस्पिटल और फिर वहाँ मैं पैदा हुई अराउंड 4 बजे। तो वही हम लोग तो कितना कुछ कंप्लेन करते हैं लाइफ में, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये मेरे लाइफ में ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, बट वी नेवर नो, या फिर वी ऑल मे बी नोइंग ऑल्सो कि हमारे जो अर्लियर जनरेशन्स है या फिर हमारे पेरेंट्स ने क्या क्या और कितने डिफ़िकल्टीज से शायद हम लोग को इस दुनिया में लाए और बड़ा भी किया। तो वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और जितना हो सके हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग रहना चाहिए। वी शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू आर फैमिली एंड टू आर किड्स टू। तो मुझे लगा कि मैं ये आपसे ज़रूर आज शेयर करूँ। मेरे पास इनके काफ़ी सारे पिक्चर्स है विच जिसमें काफ़ी मेमोरीज भी है, बट मुझसे वो सब देखते नहीं बनता। तो मैं हमेशा यही वाला पिक्चर, मैंने एक बार और भी शेयर किया था अपने ब्लॉग में, तो यही वाला हमेशा मुझे देखना अच्छा लगता है। एंड कैन यू बिलीव इट, ये उन्होंने खुद ही खिंचवाया था अपने लिए। तो एनी हाउ ऐसा ही है लाइफ, हमें एवरी डे जीना चाहिए, एवरी डे, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे साइक्लोन हो, वट एवर इट इज, मेरा तो यही फंडा रहा है। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी बोलूँगी, जस्ट सेलिब्रेट योर लाइफ एवरी डे। आज जो है वो कल नहीं था, मतलब बीते दिन भी नहीं था, और ना ही वो आने वाला कल रहेगा। और हमारे हाथ में जो भी है वो आज है, ना हम अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं, ना फ्यूचर में हमारे साथ में क्या होगा उसके ऊपर हमारा कोई हाथ है। तो मैं हमेशा वही कोशिश करती हूँ कि जो हो सके एवरी डे एवरी मोमेंट हम लोग जिए। और मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप भी ज़रूर ऐसा ही करो। तो चलो, जब तक मेरा लंच बन रहा था मुझे लगा कि मैं थोड़ा आपसे ये सब भी बोल लूँ, और अभी पहले चलते हैं लंच करने। फिश फ्राई, बैंगन फ्राई, आलू फ्राई, मटन और साथ में आम की चटनी। तो अभी हम लोग का खेल खत्म, पैसा हजम वाला सिचुएशन है, खाना हो गया है, क्वाइट अ स्क्रम्पशियस लंच राइट, और उसके ऊपर चल रहा है एसी, और बज रहा है ऑलमोस्ट 3 o'clock in the afternoon। तो वही अब ना ऐसा
झपकी आ रहा है. हाफ बर्थडे इज नाउ ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड. आधा दिन खत्म और सिर्फ आधा दिन बचा है. चलो खा पी के ऐश करके सज धज के मोस्ट इम्पोर्टेंटली और कुछ नहीं, थोड़ा सा खुश रह के आज का ब्लॉग यही पे एंड करेंगे. एक पिंकू जो हो जाए. हाँ हो जाए. आज तो होना ही चाहिए. तो एक बार क्या होता, पिंकू दुकानदार के पास जाता है सामान लेने के लिए. ₹500 का नोट देता है. अच्छा. दुकानदार नोट को देखता है, लाइट में लगा के देखता है, आगे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है, फिर इधर उधर करके देखता है. पिंकू चाचा जी नोट कितना भी देख लो, गांधी से कटरीना नहीं होने वाली.